इस मरहले के अंदर वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। जब वो मुलजिम है, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है, ये तो अदालत फैसला करेगी कि ये क्या है। कोर्ट इसीलिए बने हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए उस वक्त तक हम इस बात को नहीं मानते हैं कि उसकी हेल्प न की जाए। तो वो आपके पास हेल्प के लिए आए? हाँ, हमसे उन्होंने कहा टेलीफोन पर, हमारी हमसे ये कहा, तो हम उसमें कुछ नहीं करते हैं। जो हमारी यूनिट है महाराष्ट्र की, वो करते हैं। हमने उनसे कहा कि आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, टेलीफोन पर बात कीजिए, वो अगर मुतमईन हो जाएंगे तो वो आपके केस को लड़ेंगे। तो क्या वो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे हैं दारुल के? कौन जो लोग पकड़े या क्यों? नहीं, नहीं नहीं, कोई और संबंध है उनसे? कोई नहीं, कुछ इनमें जो उनके साथ पकड़े गए थे उमर साहब के साथ, उनमें जो एक थे जहांगीर, वो दारुल के पड़े गए। तो जमीत उलेमा हिंद किस तरह से उनकी मदद करेगी, क्या पूरा हम केस लड़ते हैं? मतलब ये है कि हम उन लोगों के केस लड़ते हैं, वकील का खर्चा। इसलिए आमतौर पर लोग ऐसे होते हैं कि जो बेचारे अपने मुकदमे को चला नहीं पाते हैं। इसका मतलब आपकी नज़रों में वो निर्दोष है? अभी तक सबके नज़रों में वो निर्दोष, जब तक वो मुलजिम हैं उनको आप कैसे दोषी कह देंगे।